हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम करने वाले हैं फिक्स्ड अप्लायसेज जो कि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एज वेल एज़ फॉर द नीट एमडीएस और वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं सो so, लेट स्टार्ट फिक्स्ड अप्लायंस सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड अप्लायंसेज़ की फिक्स्ड अप्लायंस होता क्या है क्यों यूज़ करते हैं क्यों नाम आया इसका तो सबसे पहले फिक्स्ड अप्लायंस क्यों आया क्योंकि सबसे पहले रिमूवेबल अप्लायंस आया था रिमूवेबल मतलब जो निकाल सके अपने विल पे तो क्या होता था पेशेंट जो होते थे वो कभी निकालते थे कभी पहनते थे तो कोई भरोसा नहीं होता पेशेंट पे कि वो कब निकाल रहा है कब पहन रहा है तो जिसकी वजह से कंटिन्यूस फोर्स नहीं लग पाता है और जो टूथ मूवमेंट आप कराना चाहते हैं जो मालकलूजन को हम करेक्ट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है इसी वजह से फिक्स्ड अप्लायंस आया ओके okay? अब फ़िक्स्ड अप्लायंस क्या है देख लेते हैं तो फ़िक्स्ड अप्लायंसेस आर दैट आर फ़िक्स्ड और फिटेड ऑन टू टीथ बाय ऑपरेटर एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय पेशेंट एट विल आर कॉल्ड फ़िक्स्ड अप्लायंसेस तो जिसको फिक्स किया जाता है टीथ में ऑपरेटर के द्वारा और जिसको पेशेंट नहीं निकाल सकता अपने विल से ओके सो दैट इज योर फिक्स्ड अप्लायंस ओके अब फिक्स्ड अप्लायंस कैन ब्रिंग अबाउट वेरियस अदर टाइप ऑफ मूव टूथ मूवमेंट इंक्लूडिंग बॉडीली मूवमेंट रोटेशन टिपिंग इंट्रूजन एक्सट्रूजन इवन रूट मूवमेंट्स तो जो रिमूवेबल अप्लायंस था उससे क्या होता था कि हम एक ही टाइप का मूवमेंट कर पाते थे ओनली टिपिंग मूवमेंट कर पाते थे तो फिक्स्ड अप्लायंस से ये फायदा हुआ कि इससे हम बहुत सारे मूवमेंट्स कर पाते हैं बॉडीली मूवमेंट रोटेशन टिपिंग इंट्रूजन एक्सट्रूजन इवन रूट मूवमेंट्स ओके नाउ फिक्स्ड अप्लायंस आर देयर फॉर वेरी वर्सटाइल एंड कैन बी यूज्ड टू ट्रीट मोस्ट ऑफ द दाअक्लूजन तो बहुत सारे मालक्लूजन फिक्स्ड अप्लायंस से हम करेक्ट कर सकते हैं सो so, अब जब इतने सारे एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे तो मोस्ट ऑफ़ द डिसएडवांटेज ऑफ अ फिक्सड अपलायंस इज़ ओरल हाइजीन मेंटेनेंस बिकम मोर डिफ़िकल्ट बस यही एक दिक्कत है इसमें कि ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते बिकॉज़ ये फिक्स्ड है निकाल नहीं सकते अगर रिमूवेबल अप्लायंस होता तो उसको निकाल सकते हैं साफ़ कर सकते थे बट ये फिक्स्ड है तो इसको निकाल नहीं सकते इसी वजह से प्लॉग एक्यूमलेट ज़्यादा हो जाता है इसमें साफ़ नहीं कर पाते और अगर साफ़ करते भी हैं ब्रश से तो क्या होता है ये अप्लायसेज बहुत डेलिकेट होते हैं टूट जाते हैं तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत आती है और फिक्सड अप्लायंसेज में दूसरी बात मोर टाइम कंज्यूमिंग टू फिक्स एडजस्ट और रिक्वायर स्पेशलाइज सर्विसेज ऑफ एन ऑर्थोडोंटिस्ट अब क्या है इसमें उसको फिक्स करने में एक ब्रैकेट्स लगाने में टूथ के ऊपर फिर वायर लगाने में इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है और अगर टूट गया तो फिर तो हो गई बात फिर तो सर्विसेज उसके ज्यादा लगेंगे एक तो कॉस्टली होता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है नाउ टूथ मूवमेंट पॉसिबल यूजिंग फिस्ड अप्लायंस अब कौन कौन से टूथ मूवमेंट हो सकते हैं वन बाय वन पढ़ते हैं डिटेल्स में पहले बात करते हैं टिपिंग की वॉट इज टिपिंग तो टिपिंग इज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टूथ मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑफ अ सिंगल फोर्स ऑन द टूथ क्राउन इसका मतलब बोल रहा है कि एक टिपिंग जो है सबसे सिंपल टाइप का टूथ मूवमेंट है इसमें क्या होता है हम सिर्फ सिंगल फोर्स लगाएंगे तो टूथ क्राउन मूव होगा ओके नाउ द क्राउन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अराउंड द फलक्रम इन द अपाइकल रीजन ऑफ द टूथ ऑफ द रूट अब देखते हैं कैसे सपोज करो मेरा ये टूथ है ये फिगर मैंने बालाजी टेक्स्ट बुक से लिया है अब अगर बाद में पढ़ेंगे तो आपको इजी होगा टू अंडरस्टैंड तो सपोज करो मेरा ये टूथ है ओके okay? मेरे को मूव करना है टिपिंग मूवमेंट अभी इसकी एक्सियल डायरेक्शन ऐसी है और मुझे आगे को मूव करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ फोर्स लगाऊंगा इस पर इस एरिया में मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे को मूव होगा ओके okay? तो ये टिपिंग हो गया पूरा मूव नहीं हुआ ओनली ये पोर्शन यहां को आया मतलब टिपिंग हो गया ओके okay? तो पहले ये ऐसा था अब ये यहाँ आ गया ओके okay? तो दैट इज मूवमेंट ओके नाउ यूज टू ट्रीट ओनली सर्टेन मारकलूजन तो ये सिर्फ टिपिंग सर्टेन मालक्लूजन के लिए सबके लिए नहीं होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं बॉडीली मूवमेंट की तो बॉडीली मूवमेंट में क्या होता है

तो दैट इज टॉर्क्यू वो भी लेबियल और लिंगुअल डायरेक्शन में ये याद ध्यान रखना है तो पहले जब टिपिंग कर रहे थे तो टिपिंग में क्राउन मूव हो रहा था अब क्या हो रहा है रूट मूव हो रहा है वो भी लेबियल लिंगुअल डायरेक्शन में अब बात करते हैं अपराइटिंग की व्हाट इज अपराइटिंग तो रिफर्स टू द मेजियो डिस्टल मूवमेंट ऑफ द रूट्स मतलब मेजियो डिस्टल मूवमेंट होगा रूट का अब ये देखिए सपोज करिए ये mesial direction है, ये डायरेक्शन डायरेक्शन है है डिस्टल ओके तो पहले हमारा एक्सल डायरेक्शन ऐसा था तो अब ये दांत को अगर मूव कराना है तो ये ऐसे हो जाएगा तो मतलब इट का इसका मतलब ये है कि हम ऐसे मूव करा रहे हैं. तो दैट इज योर मीजियो डिस्टल अपराइटिंग राइटिंग बोलते हैं उसको अब बात करते हैं रोटेशन की तो टीत आर रोटेटेड अराउंड ऑन अराउंड देयर लॉन्ग एक्सेस कैन बी डी रोटेटेड यूज इंग फिक्सड अब मान लीजिए मान लीजिए मेरा ये टूथ है ओके अराउंड एक्सेस है अब ये रोटेटेड है रोटेट हो गया मान लो ये रोटेट हो गया तो मेरे को इसको डीरोट करना है फिर से इस पोजिशन पे लाना है तो मैं क्या करूँगा फिक्स अप्लायंस की मदद से मैं इसको रोटेशन करवा सकता हूँ अब बात करते हैं एक्सट्रूजन की वॉट इज एक्सट्रूजन एक्सट्रूजन मतलब दांत को बाहर लाना है सपोज करो ये दांत है नॉर्मल अब अब ये दांत अंदर है है मेरे को इसको बाहर लाना है. तो मैं ऐसा फोर्स लगाऊंगा जो कि एक्सट्रूड हो जाए मतलब बाहर को आ जाए तो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ टीथ अलोंग देयर लॉन्ग एक्सेस तो ये नीचे को आएगा ओके दैट इज योर एक्सट्रूजन और इसका उल्टा इंट्रूजन मतलब दांत ऊपर को जाएगा तो फोर्स मैं यहां लगाऊंगा तो ये ऊपर को जाएगा दैट इज कॉल्ड इंट्रूजन तो गाइज थैंक यू सो मच ये लास्ट वीडियो में हम समझेंगे डिटेल्स में मेथड ऑफ फिक्सिंग अटैचमेंट ऑफ द टूथ ब्रैकेट्स के बारे में टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में कैसे फोर्सेस लग रहा है कितना फोर्सेस लग रहा है कौन से बैंड्स यूज करते हैं वायर्स के बारे में पढ़ेंगे ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ेंगे एज वायर बैग्स वायर के बारे में आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सो दैट यू विल वॉच माय लेटेस्ट वीडियो एंड प्रेस दी बेल आइकन आल्सो सो दैट ऑल द नोटिफिकेशंस यू विल गेट थैंक यू सो मच